टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी टोरेंट पावर का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला को टोरेंट पावर के बाउंसर ने मारा है, ऐसा आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो मनसे के शहर अध्यक्ष मनोज गुलवी ने बनाया है। ये बुजुर्ग महिला बिजली संबंधित किसी काम के लिए भिवंडी के जकात नाका टोरेंट पावर ऑफिस पर गई थी और इस दौरान महिला ने टोरेंट पावर के बाउंसर पर दादागिरी का आरोप लगाया है। वही टोरेंट पावर के पीआरओ चेतन विद्यानी से जब हमने इस वीडियो के संबंध में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि टोरेंट पावर के दफ्तर में किसी भी कस्टमर के साथ मारपीट या दादागिरी नहीं की जाती है। हमने उनसे जब वीडियो के बारे में बताया कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला के हाथ में चोट लगा है और कुछ लोग वहाँ पर बता रहे हैं कि टोरेंट पावर के बाउंसर दादागिरी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से किसी भी घटना में ऐसी जानकारी नहीं आई है। बहरहाल वीडियो देखने के बाद वो तय करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, मगर जिस तरह से सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है, भिमंडी के जकात नाका टोरेंट पावर की ऑफिस का ये वीडियो बताया जा रहा है। भिवंडीचे नागरिक आहेत, मनसेचा शहराध्यक्ष लक्षात ठेव, मी मनसेचा शहराध्यक्ष आहे, परत एकदा सांगतो मॅडम क्या हुआ बोलो। या टोरंट वाल्यांनी आता आपल्या एका मुस्लिम भगिनीला बहिणीला जबरदस्ती मध्ये मारहाण केलेली आहे। माझ्या सर्व कमला भिवंडी वासियांना एक विनंती आहे, टोरंटची ही दादागिरी जी चालू आहे ना, ही दादागिरी आम्ही काही दिवसापूर्वी संपवलेली होती, परंतु या कर्मचाऱ्यांनी या आपल्या मुस्लिम महिलेला जबरदस्तीने मारहाण केलेली आहे। भिवंडीच्या नागरिकांना माझं आवाहन आहे, टोरंट पावरला जास्तीत जास्त संख्येने लवकरात लवकर आंदोलन करण्याची तयारी आपल्याला करायची आहे। मी मनोज गुळवी, मनसे शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहराध्यक्ष राज साहेबांचा आम्हाला आदेश आहे की अन्याय होताना कुठे बघायचं नाही आणि कोणाची अशी फालतू दादागिरी असेल तर ती सहन करायची नाहीये। जय महाराष्ट्र।